हेलो गाइज, कैसे हैं हम सब। आज अपने इस वीडियो में आपको HDFC बैंक का पूरा डिटेल एनालिसिस बताने वाला हूं। आपको लॉन्ग टर्म और इंट्राडे दोनों ट्रेड बताएंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि HDFC बैंक में क्या चल रहा है। अगर ओवरऑल HDFC बैंक की चार्ट की बात की जाए, तो जो अपना हाई अभी करेंट बना है, यही ओवरऑल हाई है HDFC बैंक का। अगर प्रीवियस डाटा देखा जाए तो आप देख सकते हैं HDFC बैंक कंटिन्यू बुलिश था। आप देख सकते हैं यहाँ से प्रॉपर कंटिन्यू, कभी भी एक मेजर करेक्शन नहीं हुआ। केवल एक बार इस लेवल पे आके कोरोना काल था, यही एक अच्छा खासा मेजर करेक्शन हुआ है। अदरवाइज छोटे छोटे करेक्शन हुए हैं, लेकिन मेजर करेक्शन नहीं हुआ। अब हम आगे आते हैं। अब आप ये देखो क्या हुआ था। अगर आप देखेंगे कोरोना काल से पहले, तो मार्केट एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन के सारे प्राइस अप जा रहा था। देखो प्राइस एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिरा, फिर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा, फिर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके कुछ ना कुछ तो गिरना ही था। लेकिन अप्रॉक्स इस लेवल तक गिरता या इससे ज्यादा भी, लेकिन कोरोना काल आया और अच्छा खासा प्राइस फॉल हुआ। अब आप ये देखो फिर आगे क्या हुआ। अब आप ये देखिए, फिर प्राइस यहाँ से गिरा, प्राइस अब गया, फिर गिरा। और गाइस जब इस प्रकार का डब्ल्यू बनता है ना, तो बहुत अच्छा रिवर्सल का संकेत होता है और तेजी से मार्केट अप जाता है। और यहाँ नेक लाइन ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं प्राइस को अच्छा खासा रिटेस्ट भी करने आया। नेक लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस रिटेस्ट किया, फिर अब गया, फिर रिटेस्ट किया, और फिर प्राइस अप गया। अच्छा खासा बुलिश देखने को मिला मार्केट। क्लियर हुआ इतना। अब देखो आगे हुआ क्या फिर। अब जो अभी करंट लेवल जो चल रहा है, तो आप देख सकते हैं जब प्राइस इस लेवल से यहाँ अप गया था, प्राइस जब इस लेवल से अप गया था, तो आप देखेंगे इस लेवल पे मार्केट ने बेस बनाया। देखो प्राइस अप गया, सपोर्ट लिया, प्राइस अप गया, फिर सपोर्ट लिया, प्राइस अप गया, और फिर यहीं प्राइस जब नीचे आया तो फिर यहीं सपोर्ट लेके फिर प्राइस अप गया। और ये जो प्रीवियस हाई था गाइज, तो प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, और जब ब्रेक किया तो कई लोगों ने एंट्री भी किया होगा। लेकिन आप ये देख सकते हैं जब ये अच्छी खासी बुलिश ग्रीन कैंडल बन गई, तो जब इतनी बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल बनी तो कोई मतलब नहीं होता एंट्री लेने का, क्योंकि जब जब आप अच्छी खासी बड़ी बुलिश ग्रीन कैंडल देखेंगे तब तब रिवर्सल होता है। देखो प्राइस अच्छी खासी बुलिश रेड कैंडल बनाना पड़ा, प्राइस बुलिश रेड कैंडल, प्राइस बुलिश रेड कैंडल, ठीक है। और फिर आप देखो जब प्राइस यहाँ से अप गया, तो ये जो ऊपर वाली रेड कैंडल देखेंगे ना, और जब ये रेड कैंडल बन गई गाइज, तो थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न का आता है, जो बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न में बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न, तो ये बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया और प्राइस फॉल होना स्टार्ट हुआ। क्लियर हुआ। फिर अगर ये जो अपना सपोर्ट लेवल था, आप देखेंगे ये सपोर्ट लेवल, और ये अपना जोन कहला जाएगा, ये सॉरी लेवल थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, ये अपना जोन कहला जाएगा। ये जो गाइज अपना जोन है ना, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। अगर आप देखेंगे तो ये अपना जोन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि जब प्राइस यहाँ से गिरा था तो इसी जोन का सपोर्ट लेते थे, फिर प्राइस अब गया। आप देखिए जब प्राइस यहाँ से अब गया, तो आप देखेंगे प्राइस जिस प्रकार से अब गया था उसी प्रकार से फॉल हुआ। लेकिन देखिए डबल टॉप बनाया प्राइस यहाँ, यहाँ प्राइस ने डबल टॉप बनाया, और डबल टॉप बनाने के बाद प्राइस फॉल हुआ। क्लियर हुआ इतना। अब हम चलते हैं डेवन टाइम फ्रेम, और डेवन टाइम फ्रेम में डिटेल से आपको विस्तार से बताता हूँ कि क्या क्या घटित हुआ। जिस लेवल की बात कर रहा था मैं, तो मैं यहाँ लेवल ड्रा कर देता हूँ। डाउन साइड एक अपना इंपॉर्टेंट लेवल, ये लेवल कहला जाएगा, और ये जो अपना रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच जब अपना लो बना था, ये लेवल। अब अगर हम इस लेवल को प्रीवियस में देखेंगे, तो देखो कितना बेहतरीन ये लेवल काम कर रहा है। जब प्राइस यहाँ से अब गया था, इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिरा था, फिर आप देखिए जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया था, तो इसी जोन का सपोर्ट लिया था प्राइस, फिर देखो फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर प्राइस अब गया, फिर प्राइस नीचे जब गिरा तो इसी लेवल का सपोर्ट लिया, फिर प्राइस अब गया। लेकिन अब आप ये देखो, फिर जब यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ, तो इसी जोन का सपोर्ट लिया और प्राइस अप गया, फिर गिरा प्राइस, अब इसी जोन पे है प्राइस अभी। क्लियर। मैं ये जोन हटा देता हूँ, आपको समझाने के लिए ड्रा किया था। और देखिए अभी क्या हो सकता है HDFC बैंक में। देखो अभी प्राइस आप देखेंगे तो प्राइस इस रेंज में मार्केट घूम रहा है, प्राइस ग्रीन कैंडल बना रहा है, लेकिन इस रेंज में घूम रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो आप वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देखिए, प्राइस इस प्रकार की कैंडल बना रहा है। अगर ये जो अभी मार्क किया हूँ, ये लेवल अगर ब्रेकआउट होता है अपसाइड, तो हम फिर बुलिश हो जाएंगे। और बुलिश कब कहाँ तक हो जाएंगे गाइस, अप्रॉक्स अपना 1560 का लेवल, और सेकंड लेवल रहेगा 1700 का लेवल। ये दो लेवल अपना रहेंगे अपसाइड, अगर ये लेवल अपना अपसाइड ब्रेकआउट होता है, तो अपने ये दो लेवल रहेंगे अपसाइड के लिए। क्लियर हो इतना। अब हम आते हैं डेवन टाइम फ्रेम। देखिए मैं ये लेवल क्यों बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट लेवल है। देखिए जब प्राइस यहाँ से गिरा था, तो डायरेक्ट शार्प फॉलिंग हुई थी, प्राइस फिर इसके बाद यहाँ तक गया, फिर प्राइस यहाँ से गिरा,
इसका मतलब यहाँ एक अपने को डब्लू पैटर्न देखने को मिल सकता है, और जैसे ही ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो प्राइस यहाँ से अप जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। लॉन्ग टर्म की कहानी हो गई, अब हम आपको थोड़ा सा डिफरेंट टाइम फ्रेम एनालिसिस बता रहा हूँ, तो एच1 टाइम फ्रेम में आपको और ज्यादा क्लियर कर रहा हूँ, यहाँ आपका यहाँ ज्यादा क्लियरेंस हो जाएगा एच1 टाइम फ्रेम में कि किस प्रकार हम ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए जो मैं अभी लेवल डाउन साइड ड्रा किया तो एक अपना इंपॉर्टेंट लेवल ये है और अप साइड के लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये है। जब तक प्राइस इस लेवल के अंदर है तो हम इस लेवल, अगर अप साइड है तो यहाँ से सेल करेंगे, डाउन साइड है तो यहाँ से बाई करेंगे इस जोन के अंदर तक के लिए, क्लियर हुआ। लेकिन जैसे ये लेवल अप साइड ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट होने देना, एक प्राइस इस लेवल से ना एक बार इस लेवल से 1400 के लेवल से प्राइस एक बार इस लेवल का इस लेवल को रिटेस्ट करने आएगा। जब प्राइस यहाँ से H1 टाइम फ्रेम में जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक बार इस लेवल को 1380 के लेवल को रिटेस्ट करने आएगा, फिर इसके बाद प्राइस अप जाएगा, क्लियर हुआ। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसका डाउट भी आपको क्लियर किए दे रहा हूँ। अभी अगर आप देखेंगे प्राइस जब यहाँ से गिरा तो किस बेसिस पे ऊपर जा रहा है, ये देखो इस बेसिस पे ऊपर जा रहा है, आप देख सकते हैं। अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है, और ब्रेक करना भी चाहिए, अगर ब्रेक करता है तो एक प्राइस इस लेवल से अब जाने के बाद इस लेवल यहाँ तक जाए और यहाँ से एक बार रिटेस्ट करने आए, और ये जो अपना कंटिन्यू हायर लो का फॉर्मेशन है ये जारी रखे, और फिर प्राइस इसके बाद अब जाए, क्लियर हो इतना। अब हम बात कर लेते हैं ट्रेड की, इंट्राडे ट्रेड की। तो हम 15वें टाइम फ्रेम में आ जाते हैं और इंट्राडे ट्रेड प्लान करते हैं। देखिए ये अपना 15वें टाइम फ्रेम का चार्ट है, हम यहाँ थोड़ा सा अपसाइड के लिए ये लेवल ड्रा कर लेते हैं। देखो भाई जब तक 1380 का लेवल अपसाइड ब्रेकआउट नहीं होगा, क्या जब तक 1380 का लेवल अपसाइड ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हम कोई बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। जैसे ही 1380 का लेवल ब्रेकआउट होगा एचडीएफसी बैंक में तो अपना पहला टारगेट रहेगा 1400 का लेवल। आप देख सकते हैं अपना ये पहला टारगेट रहेगा 1400 लेवल, और 1400 लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा ना तो अपन एचडीएफसी बैंक में बुलिश हो जाएंगे पूर्ण तरह से। अदरवाइज बुलिश तो हम यही है, क्योंकि आप देख सकते हैं प्राइस हायर लो का फॉर्मेशन बना रखा है, और अगर हम देखेंगे तो ये बुलिश ट्रायंगल पैटर्न भी है, क्या एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिसे हम बुलिश ट्रायंगल पैटर्न बोल भी सकते हैं। तो एक ट्रायंगल पैटर्न भी ड्रा होगा, पहले कंफर्मेशन, सेकंड ये अपना जोन है, और हायर लो का फॉर्मेशन, क्लियर हुआ। हायर लो फॉर्मेशन जो होता है वो अप ट्रेंड में होता है, तो आप देख सकते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम का ट्रेंड, क्लियर होगा। अगर मार्केट, ये तो अपसाइड की बात हो गई कि 1380 के ऊपर हम अपसाइड ट्रेड करेंगे, लेकिन इन केस प्राइस गिरता है और प्राइस अप नहीं जाता तो हम डाउन साइड ट्रेड कब करेंगे? तो डाउन साइड के लिए गाइज हम 1365 का लेवल देखेंगे। ये लेवल जो अपना है आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट लेवल है, 1365 का लेवल जब डाउन साइड ब्रेकआउट करेगा तो अपना पहला टारगेट रहेगा 1357 का, ये लेवल 1357 से 1350 का लेवल, 1351 का लेवल, और 1351 का लेवल अगर डाउन साइड ब्रेकआउट करता है तो फिर अपना नेक्स्ट टारगेट रहेगा 1335 का लेवल, ये टारगेट डाउन साइड के लिए। अब बताओ HDFC बैंक का एनालिसिस कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।